हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट पे ट्रेडिंग। स्वागत है आपका हमारे इस वीकली चार्ट बस्टर्स के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये है हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे इंट्राडे टाइमिंग्स पे मुझे जो भी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। और ये है हमारा ऑप्शंस का ग्रुप, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे ऑप्शंस के मुझे जो भी ट्रेड्स अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो हमारे इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर मैं जो भी ट्रेड शेयर करता हूँ वो बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, उनमें मेरी आपको कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं होती। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये है आज का हमारा पहला स्टॉक, दैट इज TRF लिमिटेड। TRF लिमिटेड को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें ना, ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको इस तरीके का कुछ नोटिस हो रहा होगा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पैटर्न के बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो पैटर्न ने क्या करा है, अभी रिसेंटली यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक देखिए, यहाँ से अभी इसने रिसेंटली यहाँ पे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दी है। बट अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, इसके अगर हम वॉल्यूम्स वगैरह ऑन कर ले तो देखिए वॉल्यूम यहाँ पे गेन होता हुआ दिख रहा था, बट इस एरिया पे जहाँ पे ब्रेकआउट आया है यहाँ पे वॉल्यूम वीक है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए हमें कुछ अच्छा खासा वॉल्यूम नहीं दिख रहा, और डेली टाइम फ्रेम पे भी देखे तो हमें कोई खास वॉल्यूम नहीं दिख रहा। यहाँ पे वॉल्यूम गेन हो रहा था और अभी यहाँ पे दो दिन से ये पर्टिकुलर स्टॉक अपर सर्किट में चल रहा है, जस्ट बिकॉज इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ है काफी दिनों बाद। तो प्राइस यहाँ पे क्या कर सकता है, प्राइस का यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। अगर आप ध्यान से देखिए, प्राइस ने भी जहाँ पे अपने आप को होल्ड करा है, दैट इज 432 का एरिया। ठीक है, तो प्राइस क्या कर सकता है, प्राइस इस तरीके से यहाँ पे आके रिटेस्ट कर सकता है, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता के इस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ब्रेकआउट है यहाँ पे हमें कोई खास वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ पे इसके रिटेस्ट का वेट करेंगे, और रिटेस्ट के बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक जो ऊपर की तरफ जाने लगे तो हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को देख सकते हैं। अगर मैं आपको एक चीज दिखा दूं, डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, इस एरिया के आसपास मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को हमारे लर्निंग ग्रुप में शेयर करा था, दैट इज July 18th का दिन। ठीक है, July 18th से अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो इसने कितने परसेंट का रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 124% का रिटर्न दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए यहाँ तक की हमारी अभी क्लोजिंग आ गई है, तो इसने ऑलमोस्ट 7 months के अंदर 124% का रिटर्न दिया है हमारे लर्निंग ग्रुप में, हमारे मेंबर्स को। तो अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक क्या कर सकता है, यहाँ से ये और भी ऊपर जा सकता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ये अभी इस एरिया तक पहुंचा है, इस एरिया का हर्डल जैसे यहाँ पे ब्रेक होगा ना, तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा, अब प्राइस जब इन एरिया को ब्रेक करेगा ना, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा यहाँ पे ये वाला एरिया। एक बार को अगर मैं स्विंग में बताऊं तो ये वाला हमारा पहला एरिया होगा 505 के आसपास का, सेकेंड टारगेट होगा हमारा यहाँ पे 550 के आसपास का, और हमारा थर्ड टारगेट होगा यहाँ पे 600 रुपए के आसपास का, जो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज TRF लिमिटेड। ओवरऑल देखिए, अगर प्राइस इस एरिया के हाइस तक जाता है ना, जो इसका प्रीवियस हाई था 1170 का, तो प्राइस आने वाले समय में जैसा कि आपको पता है इस तरीके से अगर मूव करता है, तो ऐसे मूव करने के बाद जब थोड़ा सा रिजेक्शन लेगा ना प्राइस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी तक प्राइस ने एक बार पे रिजेक्शन दिया नहीं है, तो मल्टीपल टाइम रिजेक्शन करके प्राइस रिटेस्ट करके इस तरीके से हमें ऊपर जाता हुआ भी आने वाले समय में देख सकता है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है मैं बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ। अगर आप चाहे तो इसके रिटेस्ट के आसपास इसे देख सकते हैं, और उसके बाद ये तीनों हमारे यहाँ पे स्विंग के टारगेट हो जाएंगे। यही था आज का हमारा पहला स्टॉक। आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है, तो आज का हमारा सेकंड स्टॉक है कीनोट फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए, कीनोट फाइनेंशियल सर्विसेज मैंने इस एरिया के आसपास आप लोगों के साथ एक बार शेयर करा था, मैं आपको हमारा टेलीग्राम दिखाना चाहूंगा। ये देखिए 120 के आसपास मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था, ये कब का डेट है, 15th अक्टूबर का। देखिए 15th अक्टूबर को शेयर करने के बाद यहाँ से इसने दो ही दिन में यहाँ पे ऑलमोस्ट 44% के आसपास का रिटर्न दिया था, उसके बाद प्राइस ने यहाँ से फॉल किया। अगर स्विंग ट्रेडिंग में बात करें ना, तो यहाँ पे दो दिनों के अंदर अगर किसी ने 15-20% भी लिया होगा ना, तो भी यहाँ पे बहुत है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राइस ने यहाँ पे फॉल किया, एक साइडवेज एरिया क्रिएट किया। अभी दोबारा से प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ से एक साइडवेज एरिया क्रिएट करने के बाद एक बार ब्रेकआउट दिया था, फॉल्स ब्रेकआउट क्रिएट किया, अब दोबारा से ये प्राइस यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस यहाँ से एक अच्छी खासी रैली दे सकता है। अगर हम रैली की बात करें तो यहाँ से प्राइस कितना ऊपर जा सकता है, यहाँ से प्राइस अगर हम देखें मिनिमम इस एरिया तक जा सकता है, जो है हमारा 285 का टारगेट। ठीक है, हमारा स्विंग का टारगेट क्या होगा, हमारा स्विंग का पहला टारगेट होगा 194, सेकेंड टारगेट होगा हमारा यहाँ पे 230, एंड थर्ड एंड फाइनल टारगेट होगा हमारा यहाँ पे
287 के आसपास का, जो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज Keynote Financial Services. तो यही वो दो पर्टिकुलर स्टॉक थे जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया था. अगर आपको मेरी एनालिसिस सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस एंड एवरी वीकेंड पे आप लोगों के लिए वीकली चार्ट बस्टर्स के एपिसोड भी लेके आते रहता हूं. तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली. जय हिंद, वंदे मातरम.